Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. कल जो पढ़ाए थे उसमें किसी को कोई डाउट है? Anybody? No, sir. No, sir. समझ में आया था ना सारा? Yes, sir. ठीक है. तो we will continue with system of two circles. Okay. तो अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है, दैट इज रेडिकल एक्सिस. ऑलराइट. तो रेडिकल एक्सिस, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स ओनली. ओके. अब यहां पे एक बात बताओ, फिजिक्स में अक्सर ये सब काम तुम लोग करते हो. से फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्फेरिकल बॉडीज. ओके. ऐसे डिफरेंट साइज का, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सेम साइज का. देखो ये स्फेरिकल बॉडीज है और मैंने इनको एक स्ट्रिंग से, मतलब मान लो एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया. तो अब बताओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? कुछ होगा ना. देखो इस, ये सिस्टम हो गया अब एक, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट दैट इज योर रेडिकल एक्सिस. हाँ, रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन अगर मान लो मैंने वर्टिकली एक रॉड यहां खड़ा कर दिया, नॉट नेसेसरली मिडवे, रिमेंबर दैट, ये बीच में होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं. इसका लोकेशन डिपेंड करता है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां है. ठीक है. तो ये कैलकुलेट, ये सब फंडा तुमको उसमें भी हेल्प करेगा. अब मान लो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे करके. तो अगर ऐसे रोटेशन अगर करता है तो ये वाला जो एक्सिस है इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहां होना चाहिए? दैट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम और बॉडीज. यस और नो? तो ये सब तुम थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़े हो कि नहीं तुम लोग? तो रेडिकल एक्सिस एक्चुअली का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर्स, That is actually the center of mass of the system, ठीक है. और भी बहुत सारा चीज है जिसके लिए ये बहुत काम आता है. अब radical axis का definition पे आते हैं. तो देखो, let us say this is a circle S1, okay? और इसका equation है x square plus y square plus twice of g1x plus twice of f1y और plus c1 equal to zero. और यहां मैंने एक दूसरा सर्कल लिया S2 और इसका इक्वेशन है x square plus y square plus twice of g2x plus twice of f2y और plus c2 equal to zero. All right. Now consider any point on this plane from where length of tangent drawn to both these circles are equal. तो मान लो मैंने कहीं पे भी, यहां पे सपोज एक पॉइंट लिया. अब यहां से तुमने एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया, ठीक है, और एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया सपोज यहां पे. देखो हियर, नाउ लेट अस से दिस इज योर वेरिएबल पॉइंट पी एच कमा के. तो ये ए पे मीट किया और ये बी पे मीट किया. तो मैं ये कह रहा हूं कि पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी, राइट. अब बताओ पी ए क्या हुआ? रूट ओवर ऑफ एस वन फॉर दिस सर्कल. और yes. इसके लिए हम कह सकते हैं रूट ओवर ऑफ एस टू. तो हम यहां ऐसे लिख रहे हैं रूट ओवर ऑफ एस वन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस टू, करेक्ट. या हम ऐसे भी कह सकते हैं एस वन इक्वल टू एस टू. क्यों? अब देखो एस वन क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी वन एच प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वन के और प्लस सी वन इज इक्वल टू x square plus k square plus twice of g2h plus twice of f2k or plus c2. देखो ऐसा कह सकते हैं x square plus k square कट गया, ये सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ. तो देखो twice of g1 minus of g2 into x h, मैं लोकस भी लिख दे रहा हूं, लोकस ऑफ h कमा k, ठीक है. तो दिस विल बी twice of f1 minus f2 into y or plus c1 minus c2 equal to zero. देखो ये आता है इक्वेशन. अब जरा ध्यान से देखो ये इक्वेशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का है,
यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स राइट इज इक्वल दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. अब ये अगर तुम्हारा देखो S1 में से डायरेक्ट S2 घटा दो तो क्या ये इक्वेशन नहीं आता है? देखो ये दोनों कट गया राइट 2g1x माइनस 2g2x यानी तो दिस इक्वेशन इज द सेम एज S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो. देखो तो S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो एक्चुअली ये क्या है? ये रेडिकल एक्सिस है किसी भी सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स का. ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इट बिकम्स द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स. ओके अब यहां पे एक और बात मार्क करो. देखो ये स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस अगर हम लिखेंगे तो देखो माइनस ऑफ जी वन माइनस जी टू बाय एफ वन माइनस एफ टू. देखो क्या ये लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन? देखो इस सर्कल का सेंटर है माइनस जी वन माइनस एफ वन, इस सर्कल का सेंटर है माइनस जी टू कमा माइनस एफ टू. अब जरा स्लोप ऑफ सी वन सी टू भी लिखो. तो देखो सी वन सी टू का स्लोप देखो माइनस एफ टू माइनस ऑफ माइनस एफ वन यानी एफ वन माइनस एफ टू बाय जी वन माइनस जी टू. देखो इसको और इसको ध्यान से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से माइनस वन होता है कि नहीं? देखो स्लोप ऑफ C1 C2 into स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस दिस प्रोडक्ट इज माइनस वन. यानी रेडिकल एक्सिस तुम्हारा क्या है? एक लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स. तो देखो अगर हम इसको जोड़ते हैं, अब देखो इसका लोकस अगर निकालना चाहोगे तो देखो क्या ये ऐसा आता है? तो इट विल बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स करेक्ट. अब अगर मान लो मैंने कोई कॉमन टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है देखो ये जैसे एक कॉमन टेंजेंट, तो ये रेडिकल एक्सिस को कट किया. अब बताओ ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन ही है ये. तो रेडिकल एक्सिस ने देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट किया, आया ना? इनफैक्ट सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को ही नहीं, इट विल बाइसेक्ट ऑल पॉसिबल कॉमन टेंजेंट्स टू द सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स करेक्ट. अब पहले तुम डेफिनेशन लिखो फिर डायग्राम ड्रॉ करना और ये करना. रेडी? यस. तो ऐसे लिखो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम वेयर the length of tangent, the length of tangent drawn to a system of two circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0, S1 equal to 0 and S2 equal to 0 are equal is called radical axis of the system of two circles, is called the radical axis of the system of two circles. ठीक है? So एक बार repeat करिए ना सर, हम disconnect हो गए थे. देखो the locus of all points from where the length of tangent drawn to a system of two circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0 are equal is called radical axis of the system. ठीक है? अब ये लिख लो इनफैक्ट पहले, फिर मैं इसका प्रॉपर्टीज बताता हूं. फिर वो बाइसेक्ट कैसे करेगा एक बार बता दीजिए ना. देखो कोई भी टेंजेंट तुम ड्रॉ करो, कोई भी कॉमन टेंजेंट एनीथिंग, सपोज यहाँ डायरेक्ट करना है या ट्रांसवर्स करना है बोलो. चलो डायरेक्ट तो मैंने देखो. अब ये बताओ ये तुम्हारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है? यस सर.
अब जरा ध्यान से देखो, इट कट्स द रेडिकल एक्सिस एट दिस पॉइंट. यस. अब रेडिकल एक्सिस क्या है? ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जहां लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल. तो बताओ ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा कि नहीं? ठीक है सर. अब दोनों बराबर हुआ यानी ये टोटल लेंथ इस लाइन से बाइसेक्ट हुआ. यस यस. तो चाहे ट्रांसवर्स हो या डायरेक्ट, डायरेक्ट रेडिकल एक्सिस हमेशा बाइसेक्ट करेगा ऑल पॉसिबल कॉमन टेंजेंट्स टू अ सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स. ठीक है. यस. ये सब प्रॉपर्टी हम लोग क्वेश्चन में भी यूज करेंगे. अभी थोड़ा देर मैं कम से कम 3-4 प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद देखो क्वेश्चन लेके बताते हैं. Yes. ये लिख लिया बच्चे? Yes, sir. Everybody? किसी का पेंडिंग है तो लिख लो. और S1 - S2 = 0 हमेशा क्या देता है? रेडिकल एक्सिस ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स देता है. ठीक है. ये बाद में ये एस्पेक्ट आता है, मतलब कॉइंसिडेंटली इट इज द कॉमन कॉर्ड अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग हैं तो. ठीक है. लेकिन प्राइमरीली ये इक्वेशन क्या है? ये है रेडिकल एक्सिस का. ठीक है. Ready to write down properties? Yes. To likho properties of radical axis. Properties of radical axis. सबसे पहला property तो ये वाला लिखो. लिखो radical axis of a system of two circles. Radical axis of a system of two circles is perpendicular to the line joining the center of the two circles. ठीक है. ये हमेशा perpendicular होगा. ठीक है. देखो सेकेंड प्रॉपर्टी समझाने के लिए पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. सर तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दूसरा वाला में टेंजेंट नहीं बने? जनरली तो बनता है. तुम कोई ऐसा सिचुएशन तुम सोच के बताओ, मुझे तो नहीं दिखा. अब यहां जैसे देखो एक ही केस है जहां पर नहीं बन सकता है अगर ऐसा है तो. लेकिन ऐसे केस में रेडिकल एक्सिस तुम्हारा यहां पे कहीं पे होगा. तो बताओ अगर यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ किए, देखो टेंजेंट बना यहां पे भी बना कि नहीं बताओ? तो अब लाइन तो इनफाइनाइट है ना, तो कहीं ना कहीं से तो टेंजेंट खींच सकते ही. ठीक है. अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी समझाने के लिए तुम भी इनफैक्ट लिख लो सेकेंड प्रॉपर्टी इसका क्या है. लिखो लेट S1 = 0, S2 = 0 एंड S3 = 0. लेट S1 = 0, S2 = 0 एंड S3 = 0 बी अ सिस्टम ऑफ थ्री सर्कल्स. बी अ सिस्टम ऑफ थ्री सर्कल्स देन the radical axis of this system of circles taken pairwise is concurrent. Let S1 = 0, S2 = 0 and S3 = 0 be a system of three circles.
then the radical axis of this system of circles taken pairwise. Pairwise मतलब S1 और S2 पहले तुमने लिया, देखो ये radical axis होगा, S2 और S3 equal to zero, देखो इसका radical axis यहां होगा, S3 और S1 pairwise लो तो देखो इसका radical axis इसी point से pass करेगा. देखो this equation will be S1 minus S2 equal to zero, this will be S2 minus S3 equal to zero, and this point will be S3 minus S1 equal to zero. और ये तीनों एक ही point से pass करेगा, concurrent होगा, ठीक है? आगे लिखो, the point of concurrency is called, the point of concurrency is called radical center of the system of three circles. Is called the radical center of the system of three circles. ठीक है? तो अब जैसे देखो, radical center भी कह सकते हो, और अगर ये solid bodies है, ठीक है, तो इसका center of mass ये point होगा, radical center होगा, ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, radical center का एक speciality क्या है? देखो, ये radical axis हुआ इस system का, इसका मतलब अगर मैं इस line से कोई भी point पे से दो tangent इन पे draw करूंगा, तो length equal होगा कि नहीं, length of tangent. तो यहां से मैंने एक tangent draw किया, देखो यहां, और यहां से draw किया, देखो इस circle पे, तो देखो ये length equal होगा कि नहीं होगा? Yes sir. अब देखो ये वाला point इस radical axis पे भी तो है, S2 minus S3 equal to zero. यानी इस point से अगर हम tangent देखो इस circle पर draw करें, तो भी देखो ये क्या होगा? ये और ये length equal होगा? Yes sir. इसका मतलब इस point से जितना भी tangent हम draw करें इन तीनों circle पे, सारे tangents का length equal होगा? Yes sir. Yes sir. ये बात mention कर लो, लिख लो, क्योंकि question ऐसे ही पूछेगा. लिखो, radical center is the point from where, radical center is the point from where the length of tangent, the length of tangent drawn to a system of three circles are equal in length, are equal in length. ठीक है? समझ में आया बात? तो क्वेश्चन अक्सर क्या होता है पता है? क्वेश्चन यही पूछता है सीधा कि फाइंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस सिस्टम ऑफ थ्री सर्कल्स इज इक्वल. तो समझ जाओ तुम्हें क्या पूछा है, तुम्हें पूछा गया है रेडिकल सेंटर. तो पहले इन दोनों का रेडिकल एक्सिस निकाला, फिर इन दोनों का निकाला, दोनों को सॉल्व कर लो, दैट इज गोइंग टू गिव द रेडिकल सेंटर, एज सिंपल एज दैट. ओके, should I rub this one? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तीसरा property के लिए लिखो, लिख लो पहले दो line. लिखो, let S1 equal to zero and S2 equal to zero. Let S1 equal to zero and S2 equal to zero. B a system of two circles. ठीक है, देखो जैसे ये, if a circle s equal to zero, if a circle s equal to zero cuts s1 and s2 orthogonally, मतलब ये 90 degrees पे मान लो कट किया, ये है, देखो ये सर्कल है S equal to zero. Then the radical axis of S1 and S2, the radical axis of S1 and S2 is diameter of S. ठीक है, तो अब यहां पे देखो S1 और S2 का radical axis ये होगा,
यानी ये s इक्वल टू जीरो का सेंटर से पास करेगा, ठीक है। यानी इसका डायमीटर ये हो गया रेडिकल एक्सिस। अब देखो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस यहां पे होगा और ये देखो इस सिस्टम का रेडिकल सेंटर कुछ ऐसा होगा। देखो यहां भी रेडिकल सेंटर बिल्कुल आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया सर। आया सर। मिटाएं इसको, ये ड्रॉ कर लियो, ये सब क्वेश्चन में बहुत काम आएगा याद रखो, और ये टिपिकल क्वेश्चंस में ही काम आता है याद रखना। सर लाइन क्या बोले लास्ट लाइन, द रेडिकल एक्सिस ऑफ s1 एंड s2 आर डायमीटर ऑफ s। हाँ अच्छा, अगर ये ऑर्थोगोनली कट किया तभी, ऐसे हमेशा नहीं। लिख लिए सर उसके बाद देखो s cuts s1 and s2 both of them orthogonally, तभी इसका जो डायमीटर होगा वो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस होगा। लिख लिए सर। ठीक है, अब देखो चौथा प्रॉपर्टी समझाने के लिए। सर तो रेडिकल सेंटर दो में भी निकल सकते हैं, मतलब दो में कैसे निकलेगा? यहाँ पर वो जो पॉइंट है, ये दो सर्कल है कि तीन सर्कल है बच्चे, कितने दिखाई दे रहे हैं? रेडिकल सेंटर हमेशा एग्जिस्ट करेगा तीन सर्कल में, दो में नहीं करेगा। रेडिकल सेंटर का डेफिनेशन में ही मैंने क्या बताया था, अभी ने बताया था कि तीन सर्कल का अगर सिस्टम है तभी पॉसिबल है। अब देखो ये डायग्राम थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, हाँ, लेकिन बहुत ट्रिकी सवाल इस पे पूछा जाता है तो इसीलिए प्रॉपर्टी तो हम बताएंगे ही। देखो ये एक ट्राइंगल है, अब यहां ध्यान से देखो, तीन साइड है तो तीनों साइड को डायमीटर मानते हुए, तीनों साइड टेकिंग थ्री साइड एज डायमीटर, थ्री सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो सपोज मैंने देखो ये एक सर्कल ड्रॉ किया, देखो कंसिडरिंग दिस साइड एज डायमीटर, ओके। अब यहां पे देखो BC को डायमीटर मानते हुए फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऑल राइट। तो देखो अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या, देखो इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा वो देखो ये इस सर्कल का कॉमन कॉर्ड होगा कि नहीं, देखो कुछ ऐसे, देखो ये इसका कॉमन कॉर्ड होगा। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब देखो रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है, यानी ये जो रेडिकल एक्सिस हुआ देखो ये मेरा एक ऑल्टीट्यूड हो गया कि नहीं? परपेंडिकुलर। ये बात पहले मिड पॉइंट्स लो, बीसी का बीसी हो गया डायमीटर तो उसका मिड पॉइंट सेंटर हुआ, ठीक है समझ गया। एसी का मिड पॉइंट इस सर्कल का सेंटर हुआ, तो मिड पॉइंट्स दोनों को जोड़ोगे तो ये ए बी थर्ड साइड जो था उसका पैरेलल होगा कि नहीं? यस सर। अरे बेसिक थ्योरम 8, 9, 10 में पढ़े हो। अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सर्कल और ये सर्कल का रेडिकल एक्सिस इस ट्राइंगल का एक ऑल्टीट्यूड है कि नहीं है? यस सर। अब सिमिलरली देखो तो इसका मैं तीसरा सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, देखो थर्ड सर्कल इफ आई एम ड्रॉइंग देखो लाइक दिस, ओके ये आधा हुआ और ये मान लो पूरा कर दिया। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, अब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल अगर लेते हो तो देखो ये इसका ऑल्टीट्यूड होगा, हाँ या ना? दो रेडिकल एक्सिस जहां कट किया यानी वो क्या बन गया, रेडिकल सेंटर। यस सर। अब देखो ये तीसरा जो होगा ये भी तो इसी से पास करेगा, तो देखो ये तीनों ऑल्टीट्यूड है तो
radical center of this system of circles is ortho center of the triangle formed. Yes or no? Yes. Yes, sir. Question. क्वेश्चन तुमको ऐसे ही देगा, मालूम है, ये तीन लाइन दे देगा, बोलेगा फाइंड, इनफैक्ट इफ दीज थ्री आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, वी आर ड्रॉइंग सर्कल्स कंसिडरिंग दीज साइड्स एज डायमीटर, देन फाइंड इट्स रेडिकल सेंटर. तो रेडिकल सेंटर इसका कैलकुलेट करने के लिए पहले ये इक्वेशन निकालना पड़ेगा. तो पंगा है ना, उससे आसान ऑर्थो सेंटर निकालना है कि नहीं? हाँ या ना? कुछ तो बोलो रे, लगता नहीं समझ में आया. हाँ सर, आ गया सर. वो 90 डिग्री वाला बता देंगे. चलो, बचपन में ट्रायंगल का ये एक प्रॉपर्टी पढ़े हो कि नहीं, ये बताओ तुम. देखो, ये अगर एबीसी एक ट्रायंगल है, मैंने इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसको जोड़ेंगे तो ये पैरेलल होगा. मिड पॉइंट हो रहा है, इसमें कोई शक? नो सर. अब बताओ, बीसी को डायमीटर मानते हुए मैंने ये सर्कल बनाया. यस सर. इस सर्कल का सेंटर बीसी का मिड पॉइंट होगा. हाँ सर. अच्छा, एसी को डायमीटर मानते हुए ये सर्कल बनाया, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका सेंटर होगा. यस सर. तो मिड पॉइंट्स को जब जोड़ोगे तो ये लाइन पैरेलल टू एबी होगा, थर्ड साइड. हाँ सर. अब बताओ, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, यहाँ पे मान लो ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स. यस सर. अब देखो, ये लाइन रेडिकल एक्सिस है. यस सर. ए, क्या पीछे बज रहा है तेरा, अक्षत? यस सर, सॉरी. ये लाइन अगर तुम्हारा, देखो, ये रेडिकल एक्सिस लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स का परपेंडिकुलर होता है. अभी प्रॉपर्टी सिखाया पहला. यस सर. तो अगर ये इस लाइन का परपेंडिकुलर है तो एबी के लिए भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? अच्छा, हाँ सर. तो क्या ये ऑल्टीट्यूड नहीं हुआ? यस सर, समझ. तो अब यहाँ पे सिमिलरली देखो, ये दोनों का रेडिकल एक्सिस ये होगा. ये ऑल्टीट्यूड हो गया फिर से ट्राइंगल का. अब दो ऑल्टीट्यूड्स जहां मीट किया वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर. और सर्कल के लिए वो क्या हुआ? रेडिकल सेंटर हुआ. करेक्ट? यस. समझ में आया बात? तो चौथा प्रॉपर्टी ऐसे लिखो, रेडी? यस सर. तो उसके लिए डायग्राम बना लोगे तो बढ़िया बात है, क्योंकि याद रहेगा ना डायग्राम से. ठीक है. हाँ, लेकिन लिख लो, इफ थ्री सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, इफ थ्री सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन साइड्स ऑफ अ सर्कल एज डायमीटर देन द रेडिकल सेंटर. Sides of triangle as diameter. Yes, sir. Then the radical center. Then the radical center of the system of circles formed. Is orthocenter of the triangle. Is ortho center of the triangle. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सर, देखो क्वेश्चन. रेडिकल एक्सिस जो नहीं बनाया सर. हाँ, एक लाइन होता है जो आप लिखवाए थे ना लोकस को, इसमें सर कैसे रेडिकल एक्सिस बना दिए सर? अभी थोड़ा देर पहले मैंने ये भी मेंशन किया था कि रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन कॉर्ड इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. Yes, ये भी सिखा है. yes, ये भी बताया था ना. तो इसीलिए देखो, ये जो कॉमन कॉर्ड है, देखो इन दोनों सर्कल्स का ध्यान से देखना, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल. तो देखो इसका कॉमन कॉर्ड, देखो दोनों सर्कल कट कहां पे किया? देखो यहां पे कट किया ना, तो मैंने इसको जोड़ दिया. अब उसके लिए उतना सोचने का जरूरत नहीं है, याद रखो. देखो ये मान लो दो सर्कल है, तो इसका रेडिकल एक्सिस सिंपली ये कॉमन कॉर्ड होगा. ठीक है. अच्छा, ओके, ठीक है.
यस सर लिखिए। हो गया बच्चे? यस सर। यस सर। पांचवा पॉइंट लिखो। All circles having the same radical axis. All circles having the same radical axis are said to form a coaxial system of circles. Are said to form a coaxial system of circles. Correct? अब यहां ध्यान से देखो इसका मीनिंग क्या है। मान लो एक सर्कल है S1 equal to 0, ठीक है? एक दूसरा सर्कल मैंने लिया यहां पे S2 equal to 0। देखो दो पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं बच्चे? Yes, तो बताओ इसका रेडिकल एक्सिस कौन सा होगा? देखो क्या ये कॉमन कॉर्ड, दिस इज द एक्सिस। लेकिन यही एक्सिस S1 के साथ, इनफैक्ट खाली S1 और या S2 किसी को भी लो। देखो अगर मैंने ऐसा एक सर्कल बनाया, राइट, देखो ये डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, देखो इस सर्कल का और S1 या S2 किसी को भी लो, क्या सेम रेडिकल एक्सिस नहीं है? यस सर। बोलो अगर मैंने ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया, देखो थोड़ा बड़ा और बना देते हैं, ये लो, देखो ऐसा अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया तो क्या ये सेम रेडिकल एक्सिस शेयर नहीं करता है? तो इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल है कि नहीं बताओ? यस सर। तो ये जो इनफाइनाइट सर्कल्स का कलेक्शन है, राइट, ये सबका रेडिकल एक्सिस सेम है? तो आई विल से दैट ऑल सर्कल्स बिलोंगिंग टू दिस सेट दे आर कोएक्सियल, दे फॉर्म अ कोएक्सियल सिस्टम, करेक्ट? तो अब इस कोएक्सियल सिस्टम का इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो अब यहां छोटा सा बात देखो, देखो S1 minus S2 equal to 0 will give you this line, करेक्ट? अब बताओ ये दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ हम कर सकते हैं, तो क्या मैं उस सिस्टम को ऐसे लिख सकता हूं S1 plus lambda times S1 minus S2 equal to 0? Yes, sir. देखो ये दोनों पॉइंट दोनों सर्कल्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो जीरो प्लस लैम्डा टाइम्स जीरो जीरो होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो अब यहां पे देखो हम ऐसे लिखेंगे वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एस वन, राइट, और यहां पे माइनस लैम्डा टाइम्स एस टू इक्वल टू जीरो, या तुम ऐसे भी कर सकते हो एस वन और प्लस माइनस लैम्डा बाई वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एस टू इक्वल टू जीरो। अब इसको एक नया स्केलर से रिप्रेजेंट करो तो S1 plus mu times of S2 equal to 0, देखो ये आएगा। So, अब देखो सर्कल का इक्वेशन सेकेंड डिग्री का होता है, इसीलिए मैंने यहां S1 अलग रखा था, ठीक है, और ये लाइन जो ये रेडिकल एक्सिस है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें फीड किया, जैसे होमोजेनाइजेशन करते थे उसी टाइप से मोर ऑर लेस। तो इक्वेशन ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, या कह सकते हो कोएक्सियल फैमिली, क्यों? सबका एक्सिस सेम होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोएक्सियल सिस्टम का इक्वेशन ये होगा। हाँ, अब फैमिली में क्या है कि पर्टिकुलर, अब जैसे देखो सपोज तो हम लोग के फैमिली में कई, देखो कई भाई बहन होते हो, तो स्पेसिफाई करते हैं ना कि सबसे बड़ा भाई या सबसे छोटा, राइट? तो अब देखो सबसे बड़ा जैसे ही तुमने बोला तब ना एक पर्टिकुलर मेंबर पॉइंट आउट होता है। Yes, sir. तो एडिशनल एक क्राइटेरिया देते हैं, तो वैसे ही ये जनरल हुआ, ये पूरा फैमिली का इक्वेशन है। अब मैंने कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे दिया कि हाँ उसका रेडियस चार होना चाहिए या पांच होना चाहिए, तब एक पर्टिकुलर मेंबर मिल जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है बात? इसमें कुछ लिखना है क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी और इसमें हम सीख रहे हैं। लिख लिए, बाकी लोग को लिखने दो।
अब ऐसे लिखो, ready? Let S1 equal to 0 and S2 equal to 0 be a system of two circles. Let S1 equal to 0 and S2 equal to 0 be a system of two circles. Then S1 plus mu times of S2 equal to 0, S1 plus mu times S2 equal to 0 gives the coaxial system of circles, coaxial system of circles corresponding to this family, corresponding to this family. सर मैं नेटवर्क के कारण बार बार एग्जिट हो जा रहा है, एक बार फिर से बता सकते हैं सर? सॉरी सर, स्टार्टिंग से वो S1 वाला, S1 plus lambda कुछ नहीं, देखो ये देखो, S1 equal to 0, S2 equal to 0, दो सर्कल है ना? हाँ सर, वो समझ गया। इसका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स ही होगा, ये समझ में आया? सर उसी का डेरिवेशन कैसे आया सर, जो लिखे ना ऊपर? कुछ नहीं, देखो S1 ये सर्कल है, और प्लस देखो सर्कल जो इन दो पॉइंट से सर्कल्स इनफाइनाइट पास करेगा। हाँ सर करेगा। तो सर्कल का इक्वेशन सेकंड डिग्री का होता है। हाँ सर होता है। उसके लिए मैंने S1 लिया। हाँ. अब देखो ये रेडिकल एक्सिस, ये एक लाइन है, और ये रेडिकल एक्सिस S1 minus S2 equal to 0 होता है। यस सर। अब बताओ 0 plus lambda times 0, 0 होगा कि नहीं? हाँ सर, अच्छा हुआ सर। तो उसको सिंपलीफाई किया और ये कांस्टेंट को म्यू लिख दिया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो ये तुम्हारा कोएक्सियल सिस्टम हुआ। अब इसमें आगे जो मैं बताने वाला था वो लिखो। द सेंटर ऑफ ऑल पॉइंट सर्कल्स, लिख रहे हो ना, कंटिन्यूएशन में आगे लिखो, द सेंटर ऑफ ऑल पॉइंट सर्कल्स, रिमेंबर पॉइंट सर्कल्स सर, ये नेक्स्ट पॉइंट है। अरे उसी के अंदर है, तुम एक्चुअली बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इसलिए गड़बड़ है। इसके बाद यहां तक जो मैंने डिक्टेट किया उसके बाद लिखो, the center of all point circles of this coaxial family of circles is called limiting point of the system of circles, is called limiting point of the system of circles. ठीक है, तो लिमिटिंग पॉइंट किसी भी सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स का क्या होता है बताओ? निश्चल। टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? क्या बात? अभी तो समझा है, बताओ। अरे देखो ये कोएक्सियल फैमिली का इक्वेशन है। Yes, अब कोएक्सियल फैमिली में इनफाइनाइट सर्कल्स है तो उसमें पॉइंट सर्कल भी होगा। पॉइंट सर्कल किसको बोलते हैं? जिसका रेडियस जीरो है। yes, उसी को ना बोलते हैं। yes, तो रेडियस जीरो कर दोगे तो पॉइंट सर्कल आएगा। तो इस सिस्टम का जितना पॉइंट सर्कल्स होगा उसका जो सेंटर होगा, मतलब क्या, वो एक ही पॉइंट होगा, एक ही राइट? तो उसी को लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं सिस्टम ऑफ सर्कल्स का। और ये दो सर्कल जब भी देगा, तो अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया, दो इक्वेशन दे दिया, बोला फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम, तो इसका यूज क्या होता है? हाँ, इसका यूज कैसे होगा? देखो ये स्पेशल केस होता है जब वो सारा कन्वर्ज कर जाता है तुम्हारा, मान लो मतलब ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, लेकिन वो तुम्हारे स्कोप के बियॉन्ड है एक्चुअली। मैंने मान लो कोई बॉडी का जिसको बोलते हैं शेप चेंज हो रहा है डायनेमिकली, करेक्ट? और उसमें अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, तब पॉइंट लिमिटिंग पॉइंट्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में नहीं यूज आएगा इसका? हाँ, तुमको क्वेश्चन कहाँ नहीं देगा, तुमको अभी हम करवाएंगे ना।
अच्छा रुको, हम खाली प्रॉपर्टी सिखा रहे हैं। पॉइंट सर्कल मतलब जो पॉइंट है वो रेडिकल एक्सिस में ही ना लाइक करेगा सर, क्या चीज? हाँ उसको भी सेटिस्फाई करेगा, उसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये आंसर में नहीं रहेगा सर, रेडिकल एक्सिस में ही वो पॉइंट सारा। रेडिकल एक्सिस तो बस ये लिमिटेड हो गया ना बच्चे। अब देखो अगर मान लो कोई भी दो पॉइंट हम लिया तो अब तो ये इनफाइनाइट इक्वेशंस ना देगा खाली दो पॉइंट से। तो तुम खाली इस पे लाई करेगा ये नहीं कह सकते हो, इसका कुछ पॉइंट, ये जो हम इसका इक्वेशन अगर निकाले इसका दो ही पॉइंट ना इस पे लाई करेगा। पहला इक्वेशन जो लिखवा है ना सर, एस वन प्लस लैम्डा एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज अ फैमिली ऑफ लाइंस वाला से अकॉर्डिंग फैमिली ऑफ, देखो जनरल कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स है ना। तो देखो अगर मान लो जी ऑफ एक्स वाई ठीक है इक्वल टू सी वन एक फैमिली है, और मान लो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो एक फैमिली है। तो जनरल द फैमिली ऑफ कर्व्स पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑलवेज दिस मच, ये जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, माने ये किसी भी कर्व में होल्ड करता है, ऑलराइट। अब यहाँ देखो, अरे नलायक, पॉइंट सर्कल कहीं भी कैसे हो जाएगा? तुम हवा में थोड़ी ड्रॉ कर दे यार पॉइंट सर्कल। चलो क्वेश्चन लिखो, तुम बहुत कंफ्यूजन में है। अब जैसे निश्चल पूछ रहा था कि कैसे सवाल आएगा, लिखो सवाल में बड़ा सीधा सीधा पूछता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुमको अगर खाली जो मैं पढ़ा रहा हूं वो स्पेसिफिकली याद है तो आंसर हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पहला सवाल लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स drawn to the following three circles, to the following three circles are equal, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन पढ़ के ही क्या पता चलता है बोलो? रेडिकल सेंटर, रेडिकल 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 सेंटर से ही है। देखो क्वेश्चन तब तुम डेफिनेशन सीखे हो तब ना समझ में आया कि रेडिकल सेंटर पूछा है, बोलो। लेकिन क्वेश्चन में रेडिकल सेंटर बोला क्या, वर्ड यूज किया? नहीं नहीं, जेई एडवांस का यही तो मजेदार बात है, वो टर्म यूज नहीं करेगा कि पोल निकालो पोलर निकालो, वो वैसे लैंग्वेज में देगा ताकि तुमको समझना है कि मुझे पोल निकालना है कि पोलर निकालना। अब यहां ध्यान से देखो, ये तीन सर्कल है लेकिन सबसे पहला काम सबका कोएफिशिएंट या तो सेम करो, समझ में आया बात, एक स्क्वायर बाय स्क्वायर का। तो तुम हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि थ्री से डिवाइड कर लो इसको टू से, इसको टू से, या दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको दो से, इन दोनों को तीन से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो दो से मल्टीप्लाई किए तो देखो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y माइनस 2 इक्वल टू जीरो, ये मेरा s1 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6y और माइनस 12 इक्वल टू जीरो, ये s2 हो गया। देखो 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू जीरो, देखो ये हो गया s3। ऑलराइट, अब बताओ रेडिकल एक्सिस s1 माइनस s2 इक्वल टू जीरो, पहले लिखो। तो s1 में से s2 घटाओ, देखो ये x स्क्वायर y स्क्वायर का टर्म आउट हो गया, तो 8 प्लस 9 कितना हुआ 17x माइनस ऑफ 6y, और देखो माइनस 2 प्लस 12 इज हाउ मच प्लस 10 इक्वल टू जीरो, देखो एक इक्वेशन आया। अब बताओ s2 माइनस s3 इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो। देखो माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6x करेक्ट, माइनस 9y आगे बोलो प्लस माइनस 9 माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो मैं इन सब को माइनस 3 उड़ा सकता हूं इसमें,
माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। माइनस भी उड़ा दो बच्चे। हाँ सर, हाँ सर, सर। अब देखो, अब इसको एक काम करो, टू मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये कट जाए। तो देखो 4x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, कितना आता है बताओ? 21x इज इक्वल टू माइनस 16। तो इस इक्वल टू माइनस 16, यानी x हो गया माइनस 16 बाई 21। हाँ है ना। अब ये वैल्यू x का किसी में भी डाल दो, y निकल जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. Yeah, इसी से निकाल लो। देखो 3y is equal to minus of 2x plus 3, right? तो ये कितना है बताओ? Minus of 32 by 21 plus 3, all right? कितना हुआ बताओ? 63 minus plus 31 by 21. तो plus की minus? बाहर आके minus हो जाएगा। तो देखो y is equal to minus of 31 by 63, देखो आ गया। तो देखो this comma this is nothing but the radical center of this system, यानी मुझे जो point पता, तो देखो इससे straight forward और क्या पूछेगा होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. मिटाएं इसको। Yes, yes, तो क्वेश्चन ये मत सोचना कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा पूछता है क्वेश्चन। हाँ, उसके लिए सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ वो दिमाग में रखना, ठीक है? तभी आसानी से सवाल बनेगा। देखो ऐसे भी सवाल पूछता है, जो लिमिटिंग पॉइंट सिखाया ना मैंने, लिखो। Find the limiting point, if any. Find the limiting point, if any, of the system of circles given by, देखो, this and x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 equal to 0. तो देखो मैंने दो सर्कल का सिस्टम दिया बच्चे, एंड आई हैव आस्क्ड यू द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम लोग को। हाँ, इसका आगे चल के डायनेमिक्स में बहुत यूज है, लेकिन वो काफी हाई लेवल डायनेमिक्स है। अब यहां ध्यान से देखो, सबसे पहले कोएक्सियल सिस्टम का इक्वेशन क्या लिखेंगे बोलो? खाली बस वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है? तो देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर प्लस लैम्डा टाइम्स, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस ट्वेल्व वाई और प्लस 40 इक्वल टू जीरो। देखो कैन वी राइट लाइक दिस? हाँ, तो इक्वेशन आ जाएगा लैम्डा प्लस वन एक्स स्क्वायर और लैम्डा प्लस सही से लिखो इक्वेशन को, दिस प्लस लैम्डा प्लस वन इनटू वाई स्क्वायर। यस सर। प्लस माइनस टेन लैम्डा प्लस टू इनटू एक्स आगे माइनस ट्वेल्व लैम्डा प्लस फोर इज वाई प्लस 40 लैम्डा माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब यहां इससे डिवाइड कर लो पहले। देखो x square plus y square minus of 10 lambda plus 2 by lambda plus 1 x minus of 12 lambda plus 4 divided by lambda plus 1 into y 40 lambda minus 4 divided by lambda plus 1। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir, ये मेरा coaxial family, coaxial system जो है corresponding to these two, इसका equation हुआ? Yes sir. आया ना। अब बताओ इस system का center क्या है? The center of this system is how much? Tell me. Sir, 10 lambda plus 2 by 2 into lambda plus 1. अरे फिर तो भूल गया यार अक्षर। इसको minus 2 से ना divide करेगा। हाँ तो minus थोड़ी
हाँ तो बाय टू करते तो उसको सिंप्लीफाई करके वही आता सर। तो एक ही बार में आंसर दोगे कि चार बार एक ही कैलकुलेशन करेंगे? अच्छा, तो ये तुम्हारा लिमिटिंग पॉइंट होगा। अब लैम्डा का कौन सा वैल्यू के लिए होगा? तो उसके लिए रेडियस जीरो होना चाहिए। तो देखो रेडियस इक्वल टू जीरो, अब देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो फाइव लैम्डा प्लस वन बाय लैम्डा प्लस वन का होल स्क्वायर, सिक्स लैम्डा प्लस टू बाय लैम्डा प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 40 लैम्डा माइनस 4 बाय लैम्डा प्लस 1, और ये क्वांटिटी तुम्हारा जीरो होना चाहिए। अब यहां से लैम्डा निकालो, यहां पुट करो, वही तुम्हारा सिस्टम का लिमिटिंग पॉइंट होगा। तो अब सिंप्लीफाई करो, देखो तो यहां पे हो गया 5 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 6 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 40 लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। क्या ये लिखेंगे? मैंने एलसीएम ले लिया और न्यूमरेटर को जीरो कर दिया। अब सिंपलीफाई करो यहां पे, तो ये हो गया तुम्हारा 6 लैम्डा का स्क्वायर यानी 36 माइनस 40, 36 माइनस 40 इज हाउ मच? माइनस 4, 25 माइनस 4 यानी 21 लैम्डा स्क्वायर। अब देखो यहां से 6 into 2, 12 into 2, 24 plus 10, 34, करेक्ट? अब यहां पे कितना आएगा देखो, 40 minus 4, 36, ये ना आएगा? हाँ सर, समझ रहे। तो ये कितना हुआ बता, 34 minus 36, यानी minus 2 lambda, करेक्ट? यस सर। ये देख, 4 और 1, 5, और 5 और 4 कितना हुआ, 9? 9। Yes, sir. अब बताओ क्या इस इक्वेशन का कोई रियल रूट दिख रहा है तुमको? मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं सर, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है सर, बहुत कम है। तो लैम्डा कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है? नहीं, तो फिर उसका वो भी नहीं पता, मतलब कोई तो इसका, वेरी गुड, इसका कोई लिमिटिंग पॉइंट नहीं होगा। देखो लिमिटिंग पॉइंट हर सिस्टम में एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? जिसमें भी लैम्डा का रियल वैल्यू आएगा ना, उसको यहां पुट करोगे, ठीक है? वो पुट करने के बाद जितना पॉइंट आए लैम्डा, तो एक सिस्टम में बताओ मैक्सिमम दो लिमिटिंग पॉइंट्स हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, दो। हाँ सर। तो मैक्स लिख लो फटाफट सर। तो इसको जियोमेट्रिकली जैसे बनाते हैं वैसे नहीं बनता है ये सर? ज्योमेट्रिकली भी एक लिमिटेशन है ना, वहां कैलकुलेशन करके रेडियस जीरो करने के लिए तो तुम यही सब ना करोगे? बोलो दिखाया नहीं जाता है क्या चीज? हाँ दिखाया कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले ये कैलकुलेशन करोगे तब ना। अच्छा, जो पॉइंट आएगा उसको वहां पर बैठा देंगे ना। हाँ ठीक है, इसको लिख लिए हो बच्चे लोग? Yes, sir. देखो अभी तक जो भी प्रॉपर्टी समझाया, पांचों प्रॉपर्टी समझ में आया? Yes, sir. और सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो जो मैंने बताया एकदम देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ, ओनली थिंग इज यू नीड टू नो एंड रिमेम्बर इट, बस कि हाँ रेडिकल एक्सिस क्या होता है, उसका सिंपल प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब जैसे कोएक्सियल सिस्टम चाहिए तो लिटरली देखो ये जो इक्वेशन है, क्या ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन नहीं है? देखो ये कोएक्सियल फैमिली मतलब सेम रेडिकल एक्सिस है, राइट? यस सर। तो अगर मैंने खाली बस इतना चेंज कर दिया होता लैंग्वेज कि एस वन इक्वल टू जीरो और एस टू इक्वल टू जीरो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है सर्कल, यानी मैंने तुम्हें एक्चुअली क्या दिया, ये दो पॉइंट दिया? यस सर, रेडिकल एक्सिस आप कट कर रहे हैं दूसरा, करेक्ट? तो उसका भी इक्वेशन सेम होगा कि नहीं? यस सर। तो एक छोटा सा बात लिख लो, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखो, द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
these circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0. S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is given by S1 plus lambda S2 equal to 0. ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. देखो सेम कोएक्सियल सिस्टम से ये कंक्लूजन आता है कि नहीं? यस सर. एक और बात लिख लो. अब देखो दो सर्कल नहीं देखे. देखो अगर मान लो मैंने पूछा होता कि कोएक्सियल सिस्टम बताओ, इसमें से दो सर्कल नहीं देखे, एक सर्कल और उसका रेडिकल एक्सिस दे दिया, तब भी तो सिस्टम वैसे ही होगा कि नहीं? पॉसिबल है ना? यस सर. देखो ये मान लो रेडिकल एक्सिस दिया, तो दिस सर्कल इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दिस लाइन इक्वेशन, ये लिखेंगे कि नहीं? बोलो. यस सर. तो ये मान लो एस इक्वल टू जीरो है और ये लाइन एल इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला इनफाइनाइट सर्कल्स होगा. यस सर. तो उसका इक्वेशन हम एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो ऐसा लिखेंगे कि नहीं? बोलो. यस सर. यस. तो एक पॉइंट और लिखो, द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एस इक्वल टू जीरो एंड द लाइन एल इक्वल टू जीरो and the line L equal to 0 is given by S plus lambda L equal to 0. ठीक है? अब in fact एक question भी लिखो. So ये line पर repeat करिए. The equation of the family of circles passing through the point of intersection of the circle S equal to 0 and the line L equal to 0 is S plus lambda L equal to 0. Okay? Yes. अब question लिखो तो. मैं question में ज़्यादा कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है उसको इस्तेमाल कर लेंगे. इसी पे बना देते हैं question को तो. Find the equation of circle passing through the points of intersection of the circles. देखो यही दोनों इक्वेशन लिखना, ये जो बोर्ड पे इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स हुज रेडियस इज फोर. ठीक है, बस देखो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया. तो अब जैसे मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया, देखो यहां तक सब कुछ कॉमन है, खाली यहां चेंज कर देंगे रेडियस होना चाहिए. सर वो एस वन एस टू है दो इक्वेशन. हाँ यही तो मैंने तो बोला ये पहले ही. तो अब यहाँ देखो होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ 16 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा बच्चे. यस सर. देखो लेफ्ट साइड में इतना आया, राइट साइड में 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 32 लैम्डा प्लस 16, क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर. तो अब 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 34 लैम्डा और माइनस 7 इक्वल टू 0, राइट? देखो फैक्टराइज कर लो तो 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 35 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो देखो 5 लैम्डा प्लस 1 इनटू लैम्डा माइनस 7 है इक्वल टू जीरो है. तो लैम्डा देखो माइनस 1 बाय 5 और 7 देखो दो वैल्यू आया कि नहीं बच्चे? हां सर. दो ही क्वेश्चन. अब हां नेचुरली अगर दो देखो रेडियस ना 4 है तो रेडियस देखो अगर देखो बच्चे अगर दो पॉइंट मैंने दिया तुमको ठीक है सर. अब चार रेडियस का देखो ऐसे भी एक सर्कल बन सकता है. अरे के साइड भी देखो एक ऐसा भी तो बन सकता है कि नहीं? यस सर. समझ गए, इसीलिए बोल रहे हैं दो को. तो इसीलिए देखो दो वैल्यू आया. यस सर. तो ये दोनों वैल्यू वापस इसमें डाल सकते हो खुद से? हाँ तो सेटिस्फाई जो इक्वेशन आ जाएगा मतलब दो. तो दो सर्कल आएगा कि नहीं आएगा?
यस सर, समझ में आ रहा है बात सर? इसको लिखे सर? बिल्कुल लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर है। आयुष गुप्ता हमेशा लेजी आदमी है, लिखना ही नहीं चाहता है। नहीं लिख लो फटाफट। मैं एक आध सवाल तुम लोग को दूं क्या? क्या हुआ? कोई हाँ नहीं बोल रहा है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। नहीं सर थोड़ा हल्ला हो रहा है माइक में। सुबह थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम तो कम होता है तुम्हारा? नहीं सर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मतलब घर में पीछे हल्ला हो रहा है वो पूजा वगैरह के कारण। अरे तो वो सब तो शाम को है सर, बंद तो अभी रहा ना सुबह से इसीलिए चल रहा है। अब देखो उसमें तेरा रोल तो कुछ है नहीं, तो एक सेक्लूडेड प्लेस में चला जा पढ़ने के लिए। हाँ सर वहीं पे एकदम सबसे अलग थलग जाके बैठ जाओ। नहीं एक्चुअली सेम काइंड का क्वेश्चन हम तुमको भी देंगे, ताकि तुम थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ी हो जाएगा अपने आप। कंडीशन थोड़ा थोड़ा चेंज। लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ऑफ फोर वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। हैविंग सेंटर ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, तो देखो सेम काम करना है, खाली यहां रेडियस मैंने ऐसे निकाला था, अब तुम क्या करोगे इसका सेंटर को इस पे लाई करवाओगे। लैम्डा निकलेगा? हाँ सर उससे ज्यादा है, आसानी से आ जाएगा। मैंने इसीलिए तो खाली प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, ताकि कम से कम देखो एक दो क्वेश्चन भी कर लोगे तो याद रहेगा कि ऐसे करते हैं। सर लाइन क्या था? वाई इक्वल्स टू एक्स। हाँ ये तो सामने तो लिखा हुआ है, एक बार लिखो तब हम अगला फंडा सिखाएंगे। एक्चुअली दो दो तीन क्वेश्चन कर लो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स टचिंग द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स टचिंग द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन, एक मिनट सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला है, पहले इक्वेशंस लिखने दो। ठीक है देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ दी सर्कल्स टचिंग द लाइन ये वाला 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो एंड द लाइन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल जीरो। देखो इसमें क्या करोगे, ये फंडा लगाओगे? हाँ सर वो समझे, इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है पता चल रहा है कि नहीं? एक और छोटा सा सवाल देते हैं, रुक जाओ। देखो एस वन प्लस लैम्डा एस टू एज वेल एज एस प्लस लैम्डा एल, ये दोनों का यूज हम पहले दिखा रहे हैं के लिए। एक और सवाल रुक जाओ जरा।
ये बहुत इजी हो जाएगा। रेडी? यस। अ सर्कल टचेस द लाइन वाई को, या नहीं ये वाला छोड़ दो, ये भी नहीं पढ़ा है। पहले का हाँ ये दोनों बनाओ पहले। सर पहला से, हाँ सर बोल रहे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एटीन वाई प्लस ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो पूछ रहा है। एक बार फिर से करो कैलकुलेशन, एक बार फिर से करो बच्चे, थोड़ा गलत आया। ये आना चाहिए, सब लोग ईमानदारी से करके मैच करोगे। माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, दिस इज व्हाट यू शुड गेट। ओके ट्राई करो, पहले तुम लोग ट्राई करो। हाँ बोलो सर, पहला वाला इक्वेशन ये है क्या, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लिख बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, बोर्ड पे देखो लिखा हुआ बच्चे राइट साइड में 7x स्क्वायर देखो है, तुम कुछ हाँ सर गलती नहीं आ रही है, इसीलिए
होने के बावजूद देखो गलत आंसर आ रहा है। तुम्हारा आयुष तुम्हारा मिला? हाँ सर मेरा बस कैलकुलेशन कर रहे दिख गया था मैंने। एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन तो है। यस सर आ गया सर एग्जैक्ट क्या है मतलब बाकी लोग सेंटर निकालने में गलती किए हैं इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। गया सर क्या गलती है? सीधा तो क्वेश्चन दिया था एकदम। देखो ये लिखा तो लैम्डा प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर टू लैम्डा माइनस सिक्स इंटू एक्स और ये हो गया टू माइनस फोर लैम्डा इंटू वाई ओके एंड प्लस फोर माइनस ऑफ सिक्स लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। नाउ इफ यू डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस वन सी हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट 2 lambda minus 6 by lambda plus 1 into x. ये हो गया 2 minus of 4 lambda by lambda plus 1 into y. Plus 4 minus of 6 lambda by lambda plus 1 and that's equal to 0, correct? What is the center of this circle? देखो center लिखने में तुम गलती करोगे तो 3 minus lambda by lambda plus 1 और ये 2 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 देखो यही ना सेंटर होगा। हाँ है ना माइनस 2 से डिवाइड कर लो। यस अब देखो y इक्वल टू x पे लाई करता है तो ये दिस इक्वल टू दिस हो गया यानी 3 माइनस लैम्डा शुड बी 2 लैम्डा माइनस 1 तो 3 लैम्डा इज हाउ मच 4 सो लैम्डा इज हाउ मच 4 बाय 3 करेक्ट। देखो ये लिख सकते हो हाँ सर। अब इसी इक्वेशन में डाल दो तो देखो 4 बाई 3 प्लस 1 इज 7 बाई 3 एक्स स्क्वायर 7 बाई 3 वाई स्क्वायर करेक्ट। अब देखो 4 इंटू 2 8 बाई 3 माइनस 6 तो 8 माइनस 18 इज हाउ मच माइनस 10 बाई 3 2 माइनस 16 बाई 3 तो देखो माइनस ऑफ ये हो गया तुम्हारा 10 बाई 3 वाई अच्छा 4 माइनस 24 बाई 3 तो माइनस 12 बाई 3। अब 3 ऑल थ्रू आउट काट दो देखो 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0 देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आंसर आता है। बताओ इतना सिंपल में तुम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कर दिए ये सोचने वाली बात है। ये सब नहीं होना चाहिए। मिटा इसको। यस सर। देखो बाकी लोग जो लोग नहीं किए वो लिख लिए सर। सेकेंड वाले का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। एक मिनट अभी देख लेते हैं। फिर से बोलना बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। वेरी गुड। बाकी लोग का आया बच्चे? शुरू किया है सर। अब शुरू किया हो।
देखो ये S है और ये L है, तो एनी सर्कल दैट पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, देखो कैन आई राइट इट लाइक दिस, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं सर? दूसरा वाला में दो इक्वेशन आएगा ना, मतलब ये वाला देखते हैं ना कितना आता है, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। देखो लेकिन जरूरी नहीं है कि दो आए, एक ही एक भी आ सकता है। देखो प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई और प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, देखो ये मेरा सर्कल का इक्वेशन आया। Yes, अब बताओ इस सर्कल का सेंटर कितना है और रेडियस कितना है? देखो सेंटर इज 2 माइनस लैम्डा बाय 2 और माइनस लैम्डा, ये सेंटर हो गया। Yes, sir. And what about the radius? देखो रेडियस इज रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो देखो 2 माइनस लैम्डा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस लैम्डा, देखो क्या ये लिख सकते हैं? हाँ ये ना yes. सर देखो 2, हाँ बोलो। आया दो इक्वेशन सर, एक है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। गलत आया, गलत आया, फिर से करो। एक ही इक्वेशन आएगा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लाइन को टच कर रहा है, ठीक है? तो देखो यहां पे कितना हुआ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज 5 लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट? और लैम्डा वाला टर्म कट गया, 4 भी कट गया, डिवाइडेड बाय 4 का रूट ओवर, तो रूट 5 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा बाय 2, देखो ये लिखेंगे। हाँ या ना? अब यहां ध्यान से देखो, अगर ये रेडियस है और ये सेंटर है तो देखो इफ दिस लाइन टचेस दिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर शुड बी इक्वल टू द रेडियस। यस सर। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा बाय 2 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा और प्लस 3 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा बाय 2, ये लिख सकते हैं। देखो ये टर्म यहां से कट गया, देखो प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा कट गया, तो रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा बाय 2, तो तुम कहोगे मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इज 2 यानी लैम्डा प्लस माइनस 2 आ रहा है। डाल देंगे देखो, हाँ कहीं एक इक्वेशन तुम्हारा मैच तो नहीं कर रहा, देखना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर प्लस 2 लेते हो तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया प्लस 4y राइट, और 1 माइनस 2 दैट इज हाउ मच माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा दूसरा क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अगला हो गया तुम्हारा माइनस 4x माइनस 4 माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। यस, तो देखो ये एक आ गया तुम्हारा सर प्लस 5 या फिर प्लस 3 होगा, प्लस 3 होगा सर। हाँ प्लस 3 होगा, सही बात है, हम गलत लिखे हैं, ठीक है। गलत है सर, दो इक्वेशन क्या चीज नहीं कायदे से आना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन आना चाहिए, क्यों? देखो ये एक पर्टिकुलर लाइन है ना, वाला टच नहीं कर रहा सर, प्लस 3 वाला सर टच नहीं करेगा लाइन को 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0 को, क्यों? देख लो सेंटर 2 2 है। हाँ यस सर, देखें और रेडियस कितना है, रूट 5। हाँ सर, तो 2 2 से इसका डिस्टेंस लो कितना आता है, 4 माइनस 2 प्लस 3 बाय रूट 5, ये तो टच कर रहा है। तो ये बताओ इसका कितना हुआ, 4 एक रूट 5 हुआ, सेंटर 0 2 हुआ, 0 माइनस 2 0 माइनस 2, तो ये भी टच कर रहा है, नीचे कर, एक नीचे और एक ऊपर टच करेगा। हाँ ठीक है, तो इनफैक्ट दिस एंड दिस, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में दिया था ना सर्कल्स, क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स, ठीक
ठीक है, तो दोनों पॉसिबल है सर। यस जो रेडियस निकाले है ना उसी में गलती, वो 2 माइनस लैम्डा 2 है ना, तो बाय 2 ही बस एक नहीं लिखे तो आगे पूरा गड़बड़ हो गया, वन स्टेप पूरा वही सेम। देखो कैलकुलेशन तो परफेक्ट करना पड़ेगा ना ये सब केस में। हां सर, रफ में नहीं करोगे अभी, रफ में चल। देखो साफ सुथरे ढंग से लिखने का आदत डालो, मिटा इसको। यस सर। देखो सर्कल का इक्वेशन डिग्री 2 का होता है। यस सर। अब मान लो अभी तक देखो तुमने क्या देखा, देखो दो क्राइटेरिया, तो अब मैंने अगर डायरेक्ट खाली दो पॉइंट दिया, मतलब सपोज मैंने दो पॉइंट दिया x1 y1 और x2 y2, आई एम गिविंग यू जस्ट 2 पॉइंट्स, तो दो पॉइंट से फिर से इनफाइनाइट सर्कल्स बनेगा कि नहीं? Yes. तो अब उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने ये दो पॉइंट को लिया तो इसको डायमीटर मानते हुए भी तो एक सर्कल देखो ये भी बन सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो ये सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते। और ये लाइन हो गया। Yes. तो s प्लस लैम्डा l फिर से लगेगा कि नहीं बताओ? लगेगा। तो अब लिखो द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स, द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू, ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू इज गिवन बाय, देखो ये पहले इस सर्कल का इक्वेशन x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस ऑफ वाई टू प्लस, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू, तो टू पॉइंट फॉर्म देखो ये डिटर्मिनेंट होगा, मैं ऐसे लिख दिया तुम निकाल के लिखना, ठीक है? x2 y2 1 दिस इक्वल टू जीरो, देखो s प्लस लैम्डा l इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखा। सर ये ट्रायंगल का एरिया जीरो है वो वाला ना? हाँ, अगर कोलिनियर है लाइन का इक्वेशन टू पॉइंट फॉर्म तो ये भी सिखाया था ना। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो सर, एक फाइंड इक्वेशन। सर एक मिनट रुक जाए सर, लिख ले रहा है थोड़ा सा, लिख लो। सर अब लग रहा है खत्म हो गया ना। अब तो मान लो खत्म तो खत्म, और क्या है? ठीक है, मतलब वहां पर क्वेश्चन दे रहे थे तो बोले कि अभी और पढ़ाना बचा बोले, तो तब अब आयुष गुप्ता को लग रहा है खत्म हो गया तो उसे मानने दो यार, खुश होने दो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए 1,1 बी 2,2 हूज रेडियस इज इक्वल टू 1, हूज रेडियस इज इक्वल टू 1। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा डिटर्मिनेंट यूज करके हम लाइन निकालेंगे, ये दिख रहा है देखो ओरली y इक्वल टू एक्स लाइन है कि नहीं? तो देखो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो होगा पहले उसका इक्वेशन लिखोगे y माइनस वन इंटू वाई माइनस टू प्लस लैम्डा टाइम्स, देखो क्या ये x माइनस वाई इक्वल टू जीरो होता है? देखो ये लिख सकते हैं इक्वेशन एक बार में। हाँ सर, उसका इक्वेशन तो वही है x इज इक्वल टू y। अब लैम्डा माइनस थ्री टाइम्स x और ये हो गया माइनस ऑफ लैम्डा प्लस थ्री इंटू वाई और ये हो गया टू प्लस वन थ्री इज इक्वल टू जीरो, देखो ये लिखेंगे। अब रेडियस इसका कितना होता है देखो, तो रेडियस इज रूट ओवर ऑफ लैम्डा माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, लैम्डा प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस थ्री एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच 1। अब बताओ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है,
तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 इनटू 2 18 माइनस 3 इनटू 4 12 दैट इज इक्वल टू 4 ये लिखा हो गया सर उधर प्लस 3 के जगह प्लस 4 होना चाहिए ना कहां पे हां सही बोला तुमने प्लस 4 तो इधर हो जाएगा 4 इनटू 4 16 राइट चल मैंने कैलकुलेशन ठीक किया हाँ लैम्डा एक और सर वन डिग्री वाला लैम्डा एक और वन डिग्री वाला क्यों होगा देखो कैलकुलेशन हम कहीं गड़बड़ किया क्या वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करता है तो ये जो इक्वेशन है ये तुम्हारा वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा ठीक है माइनस थ्री प्लस लैम्डा तो माइनस थ्री प्लस लैम्डा माइनस थ्री माइनस लैम्डा सो माइनस ऑफ लैम्डा प्लस थ्री ठीक है तो लैम्डा प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और लैम्डा माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है सर वो प्लस 18 माइनस 16 होगा कौन सा नीचे सर जो लिखे है अच्छा प्लस 18 माइनस 16 हाँ करेक्ट हाँ यहाँ पे गड़बड़ है तो अब ये देखो ये कितना हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 2 तो मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इज 1 तो लैम्डा इज प्लस और माइनस 1 करेक्ट तो लैम्डा अगर प्लस और माइनस 1 है तो प्लस 1 लेते हो तो देखो एक इक्वेशन क्या आया 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन विल बी अगर माइनस लेते हो तो ये हो गया 4x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करेक्ट तो देखो दो सर्कल्स पॉसिबल है देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं हाँ ना कुछ तो बोल रहे आया सर हाँ सर समझे चलो विल कंटिन्यू टुमारो ओके